हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं नए वीडियो के साथ। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट ईयर किसी सेट में पूछा गया है क्लास 12th में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसको भी हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये भी उसी टाइप का है जैसा कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था। तो इसको हम लोग कैसे पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो देखते हैं। जिसका इंटीग्रेशन लेना है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x-1, x-2 एंड x-3 इक्वल्स टू, इसको कैसे ब्रेक करना होगा, सारे पावर्स वन 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 है, तो लिखेंगे a अपॉन x-1 प्लस वी अपॉन x-2 प्लस सी अपॉन x-3। क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड्स में, तो हमको क्या मिलेगा देख सकते हो। इधर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारा मिलेगा x, x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हमारा क्या रह जाएगा, x-2 इंटू x-3 प्लस बी। यहाँ पे x-2 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा x-1 इंटू x-3 प्लस सी। सी के साथ बचेगा x-3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x-1 एंड x-2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, x=1, x=2 एंड x=3। सो यहाँ पे सबसे पहले x=1 पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x=1। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 1 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास मिलेगा a ब्रैकेट में 1-2 इंटू 1-3। तो यहाँ से हमको, यहाँ से मिलेगा -1 एंड यहाँ से मिलेगा -2, तो मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा 2, बन जाए 2 इंटू ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमको मिलेगी 1/2। नाउ अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x=2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x=2। तो हमको क्या मिलेगा, x=2 मिलने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x-2 यहाँ पे भी है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास b वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे x=2 बचेगा, सो 2=2 हो जाएगा हमारे पास b 2-1 इंटू 2-3। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2-1 1, 2-3 -1, सो -b=2, सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x=3, सब्स्टिट्यूटिंग x=3। तो x=3 रखने से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमको 3 इक्वल्स टू। अब देखो कौन कौन से टर्म्स 0 हो जाएंगे,
ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, x माइनस 3 यहाँ पे है, 3 माइनस 3 0, ओवरऑल ये टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा c, सो मिलेगा c और ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 2 वन जै 2 दैट इज 2 सी इज इक्वल्स टू 3, सो सी विल बी इक्वल्स टू 3 ओवर 2, 3 ओवर 2। अब ए बी सी की वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रखने से हमको ये इंटीग्रेशन मिलेगा क्योंकि इसी की जगह है हमने ये सब लिखा था। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए की वैल्यू कितनी मिलती है 1/2, तो 1/2 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, अंदर बचेगा 1/(x-1) dx। बी की वैल्यू है हमारे पास -2, सो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x-2) dx प्लस सी की वैल्यू है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/(x-3) इंटू dx। अब हमें पता है 1/(x-1) हो, 1/(x-2), 1/(x-3) इसका हो जाएगा आई इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-1 मॉड क्लोज माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-2 प्लस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x-3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर में पूछा गया, इस कैटेगरी पे क्वेश्चन आना ही आना होता है बोर्ड में, तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, और हम तो यहाँ पे समझाते हुए आपको लगवा रहे थे तो थोड़ा टाइम लगाया, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि लगाते टाइम आपको क्वेश्चन को करते टाइम बहुत अधिक समय 2 मिनट या 3 मिनट लगने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।